हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद स्वारिका में आपका स्वागत है। और आज हम बना रहे हैं और आज मैं बना रही हूँ मैक्सिकन राइस। बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही चटपटी सी ये राइस की रेसिपी है। आप इसे लंच में बनाइए, डिनर में बनाइए या फिर बच्चों को लंच बॉक्स में दीजिए। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है, तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले देखने मिलेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। तो सबसे पहले मैं यहाँ बना रही हूँ साल्सा, जिसे हम मैक्सिकन राइस के साथ सर्व करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक हैंड ब्लेंडर ले लिया और इसमें मैं डाल रही हूँ एक मीडियम साइज़ का अनियन और एक मीडियम साइज़ का टमाटो। तो इसे हमें हैंड ब्लेंडर में अच्छे से क्रश कर लेना है। तो इसे हमें मिक्सी में नहीं ब्लेंड करना है, इस तरह से हैंड जो चॉपर होते हैं इसमें हम इसे अच्छे से बारीक, बिल्कुल बारीक सा चॉप कर लेंगे। तो देखिए मैं कैसे कर रही हूँ। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से ये हमारा बिल्कुल बारीक से चॉप हो गया है। तो अब मैं ले रही हूँ थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्चें, ये मोटी वाली हरी मिर्च है जो बिल्कुल कम तीखी होती है, और सॉल्ट लेना है टेस्ट के अकॉर्डिंग, और 1 टीस्पून लेमन जूस, 2 टीस्पून टमाटो केचप, और इन सभी चीज़ों को हम इसमें डालकर एक बार फिर अच्छे से हमें इसे अच्छे से क्रश कर लेना है। तो अब देखिए हमारा साल्सा हो गया है रेडी। तो अब मैं इसे एक बोल में निकाल दे रही हूँ। तो ये साल्सा मैक्सिकन राइस के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है, तो इसे हम मैक्सिकन राइस के साथ सर्व करेंगे। तो इसे मैं एक बोल में निकाल के अलग रख देती हूँ। तो यहाँ मैंने एक पैन हीट कर लिया और इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डाल के हीट कर लिया है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 6 से 7 लहसुन की कलियाँ, जिसे मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है, और इसे हम तब तक पका लेंगे इसका जो रॉ फ्लेवर निकल जाए। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 मीडियम साइज़ का अनियन, जिसे मैंने बिल्कुल बारीक कट कर लिया है, और इसे भी हल्का सा हम भून लेंगे। तो अनियन भी हमारा ट्रांसपेरेंट सा हो गया है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटो प्यूरी। मैंने 2 टमाटर को हल्का सा ब्लांच करके इसका स्किन निकाल के उसे ब्लेंड कर लिया था। तो अब हम ये प्यूरी डाल देंगे और इसे भी हमें 1 से 2 मिनट के लिए भून लेना है। तो टमाटर हमारा अच्छे से भुन रहा है, तो अब मैं इसमें कुछ मसाले डाल ले रही हूँ। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया का पाउडर, और 1 टीस्पून ही सॉल्ट डाल रही हूँ, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, और 1 टीस्पून डाल रही हूँ ओरिगैनो, 1/2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, और इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करके इसे 1 से 2 मिनट के लिए हमें भून लेना है। तो अब मैं इसे ढक के कुक करूँगी, तो मसाला अच्छे से हमारा भुन जाए। तो इसे मैं 1 से 2 मिनट के लिए ढक दे रही हूँ, और ये देखिए मसाले में से अच्छे से ऑयल रिलीज़ हो गया है, मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून टमाटो केचप, और इसे भी डाल के अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और अब मैं इसमें डाली 1/4 कप बॉयल बीन्स, 1/4 कप डाल रही हूँ ग्रीन कैप्सिकम बारीक कटा हुआ, 1/4 कप डाल रही हूँ रेड कैप्सिकम बारीक कटा हुआ, और 1/4 कप ही डाल रही हूँ कॉर्न, जिसे मैंने बॉईल कर लिया है पहले से ही, और इन सभी को डालकर अच्छे से कर देंगे मिक्स। और 1 से 2 मिनट के लिए इसे अच्छे से भून लेना है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 से 3 ग्रीन चिली, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, और अब हम इन सभी को अच्छे से मिक्स करके 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे।
तो अब देखिए सारी सब्जियां बहुत ही अच्छे से भुन गई हैं, तो मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी, और पानी डाल के हमें इसे इसी तरह से लगातार चलाते हुए थोड़ी देर के लिए भून लेना है। तो 1 से 2 मिनट के लिए इसे हम इसी तरह से भून लेंगे, जिससे सारे मसाले अच्छे से भून जाएँ और एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ बॉयल राइस। तो यहाँ मैंने 3 कप लिया है बॉयल राइस, आप यहाँ पर लेफ़्ट ओवर राइस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बॉयल राइस हम इसमें डाल के अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। तो बहुत ही हल्के हाथों से हमें ये मिक्स करना है, जिससे चावल बिल्कुल भी टूटे नहीं। तो सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो सारा राइस अच्छे से मिक्स कर देंगे और 1 से 2 मिनट के लिए इसे हम अच्छे से भून लेंगे। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और इसे भी अच्छे से कर देंगे मिक्स। और ये हमारा मैक्सिकन राइस हो गया है बिल्कुल रेडी। तो अब मैं गैस कर दे रही हूँ ऑफ, और अब हम इसे सर्व कर लेंगे। तो अब देखिए मैं इसे एक प्लेट में सर्व कर ले रही हूँ, बिल्कुल खिला खिला सा ये राइस हमारा बना है। बहुत ही टेस्टी और अमेजिंग ये राइस की रेसिपी है। तो मैं इसे सर्व कर रही हूँ सालसा के साथ, और साथ में मैं थोड़ा सा चीज़ इसके ऊपर ग्रेट कर दे रही हूँ। तो बहुत ही टेस्टी और अमेजिंग सी रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। तो थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल दिया मैंने ऊपर, और ये रेडी हो गया हमारा मैक्सिकन राइस। तो मैक्सिकन राइस को सालसा और नाचोस के साथ सर्व किया जाता है, तो सालसा मिक्स करके इसे खाया जाता है। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मेरी रेसिपी ट्राई ज़रूर करिए। थैंक यू।